हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियर फॉर यू के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले 50 फीट बाय 60 फीट में जो हमने नक्शा डिजाइन किया हुआ है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए, इसका पूरा डिटेल आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप प्लॉट की डिटेल देख सकते हैं, चौड़ाई उसकी 50 फीट रहेगी, लंबाई उसकी 60 फीट रहने वाली है। साउथ फेसिंग प्लॉट में यहाँ पे हमने डिजाइन किया हुआ है। तो इस प्लॉट के सामने की तरफ रोड का अप्रोच रहेगा, बाकी तीनों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे के मकान रहने वाले हैं। सो वेंटिलेशन हमने खुद के प्लॉट में एडजस्ट किया हुआ है। तो सेट बैक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ 3 फीट की जगह छोड़ी हुई है, वेस्ट की तरफ आपको 2 फीट की जगह देखने को मिलती है और फ्रंट में हमने 3 फीट की जगह छोड़ी हुई है। प्रॉपर वास्तु के हिसाब से और जो हमारे क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे पूरा डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, स्किन पे रिक्वायरमेंट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के हमने दिखाई हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक लिविंग हॉल, 2 बेडरूम, दोनों को अटैच टॉयलेट उनको चाहिए थे, किचन, कॉमन टॉयलेट, स्टेयरकेस उनको बाहर से चाहिए थी, डाइनिंग स्पेस उनको चाहिए था, और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम जिसमें से 1 बेडरूम का अटैच टॉयलेट और 1 कॉमन टॉयलेट उनको चाहिए था। तो इस रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे हमने पूरा डिजाइन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको नक्शा दिखा देता हूँ किस तरह हमने डिजाइन किया हुआ है। यदि आपको भी हमसे नक्शा 3D इल्यूशन बनाना है तो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप संपर्क करके आपके लिए नक्शा 3D इल्यूशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह हमने डिजाइन किया था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कैसा नक्शा रहने वाला है। तो दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं सामने की तरफ साउथ रहेगा, यहाँ पे मेन एंट्रेंस रहेगी 10 फीट का, यहाँ पे हमने गेट दिया हुआ है। देन पूर्व की तरफ जो हमने 11 फीट 9 इंच की जगह छोड़ी थी, यहाँ पे आपको कार पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है, और यहाँ पे आपका बरामदा रहेगा जो कि 5 फीट का रहने वाला है, और पूर्व की तरफ आपके घर की मेन एंट्री रहने वाली है। यहाँ पे हमने ड्राइंग और डिजाइन किया हुआ है 16 फीट बाय 16 फीट का, इसमें यहाँ पे आपकी सीटिंग रहेगी और यहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, इस तरह हम घूम के ऊपर की मंजिल पे जा सकते हैं। तो आप इसे डुप्लेक्स हाउस प्लान भी कह सकते हैं। दोनों से बाद लेफ्ट साइड में हमने डिजाइन किया हुआ है मास्टर बेडरूम, तो उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज 14 फीट बाय 16 फीट रहने वाली है। तो दोस्तों, वेंटिलेशन के लिए हमने चारों तरफ से जगह छोड़ी हुई है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ से हमने विंडो दी हुई है और उसको अटैच टॉयलेट हमने डिजाइन किया हुआ है मास्टर बेडरूम के लिए। उसकी साइज रहेगी 7 फीट बाय 7 फीट रहने वाली है। यहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है 12 फीट 5 इंच बाय 16 फीट 11 इंच का रहेगा। यहाँ पे आपका 6 सीटिंग डाइनिंग टेबल रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने किचन डिजाइन किया हुआ है जो कि आपका डाइनिंग स्पेस को ही कनेक्टेड रहने वाला है, 14 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच का। किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक विंडो दी हुई है एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन के लिए। इसको यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस देखने को मिलता है, 10 फीट बाय 5 फीट का रहने वाला है। और लॉबी में से हमने डिजाइन किया हुआ है पूजा रूम, 4 फीट 6 इंच बाय 5 फीट का रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है 7 फीट बाय 8 फीट का, वॉश बेसिन का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। देन उसके बाद बैक साइड देख सकते हैं मास्टर बेडरूम रहने वाला है, काफी बड़ी आपको साइज देखने को मिलती है, 21 फीट 11 इंच बाय 17 फीट 9 इंच का रहने वाला है। सेपरेट यहाँ पे हमने अलमीरा का पोर्शन डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपका डबल बेड रहने वाला है, एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे 2 विंडो मिल जाती है जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, और उसको जो अटैच टॉयलेट हमने डिजाइन किया हुआ है 5 फीट बाय 9 फीट का रहने वाला है। और बैक साइड जाने के लिए यहाँ पे एक आपको डोर मिल जाता है जिसे बैक स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टोर रूम डिजाइन किया हुआ है 7 फीट बाय 15 फीट 10 इंच का रहने वाला है। यहाँ पे आपको रूम की साइज काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलती है क्योंकि जो हमारे क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट काफी बड़ी रूम की थी। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जैसे अपन सीढ़ियों से आते हैं तो इस लॉबी में पहुंच जाएंगे, 8 फीट 7 इंच बाय 16 फीट का रहने वाला है, इसमें आपकी सीढ़ियाँ भी रहने वाली हैं। मास्टर बेडरूम यहाँ पे सेम रहने वाला है जैसे आपका नीचे की मंजिल पे था, कॉमन टॉयलेट भी आपका सेम है। यहाँ पे हमने और एक बेडरूम डिजाइन किया हुआ है 15 फीट बाय 15 फीट 10 इंच का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप बालकनी देख सकते हैं, बैक साइड हमने जो जगह छोड़ी थी उसमें यहाँ पे बालकनी रहने वाली है। यहाँ पे हमने सेपरेट अलमीरा पोर्शन डिजाइन किया हुआ है, इस वाले बेडरूम की साइज रहेगी 15 फीट बाय 17 फीट 9 इंच रहने वाली है। इसके लिए भी सेपरेट पोर्शन रहने वाला है अलमीरा के लिए, और यहाँ पे आपका एक डबल बेड रहेगा और उसकी ओपनिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे काउंटर बेसिन भी दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ जगह भी छोड़ी हुई गई ओपन टेरेस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह हमने नक्शा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह हमने 50 फीट बाय 60 फीट में 5 बेडरूम का नक्शा बनाया था। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।